कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः पांचागत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्री महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग इसमें कुछ हरे कृष्ण। आज हम लोग कृष्ण कथा सुनेंगे क्योंकि 12 तारीख को जन्माष्टमी है, भगवान जन्म ग्रहण करने वाले। इसलिए जब भगवान जन्म लेते हैं कहते 33 करोड़ देवता भी जहाँ पर सबके सब गोकुल में आकर के महोत्सव मनाते हैं। अभी कृष्ण 12 तारीख को जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए जब हम मथुरा में रहते थे गुरुदेव कुछ दिन पहले से ही वहां पर जो वैष्णव लोग रहते थे गुरुदेव सबको कृष्ण की कथा बोलने के लिए बोलते थे। और वहां पर जितने ब्रह्मचारी सन्यासी लोग थे हाँ 4-5 दिन पहले से ही कृष्ण कथा शुरू हो जाती थी क्योंकि कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे। जब हम उनकी कथा सुनते हैं ना तो हमारे हृदय में बड़ा उल्लास आता है, कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे। हाँ जैसे अधिवास होता है ना, एक दिन कोई गुरु वैष्णव जन्म लेने से पहले अधिवास, अधिवास मतलब होता है उसके लिए तैयारी करना। अभी कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे, अभी जो जन्म ग्रहण करेंगे जब हम उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं अरे हमारी उनके प्रति विशेष अनुराग और विशेष रुचि प्रकट होता है भगवान जन्म ग्रहण करेंगे। और मथुरा में वहां पर क्या होता था, हमारे जो भक्त लोग होते थे भिक्षा के लिए जाते थे, घर घर में भिक्षा की संग्रह करते थे घर घर में, और वहां पर दाल चावल चीनी है अलग अलग सब भिक्षा करते थे भगवान जन्म ग्रहण करेंगे। और वहां पर बहुत बड़ी उत्सव और जन्म उत्सव से एक दिन पहले वहां पर बहुत बड़ा प्रोसेशन, मथुरा में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता था, दर्शन किए हो? इसलिए गुरुदेव रहते समय मुझे लगता है दर्शन, इसलिए वहां पर बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता था और बड़े धूमधाम से हैं मथुरा में जन्म स्थान से भी, कृष्ण का जन्म स्थान से भी वहां से भी नगर संकीर्तन निकलता था। लेकिन हमारे मंदिर से जैसे निकलता था सुंदर अलग अलग झांकी कीर्तन, माताओं के लिए एक अलग मंडली, हमारे वैष्णव लोग हैं उसमें बड़े सुंदर सुंदर झांकियां है, पूरा मथुरा में ना टहलका मच्छा दिखा, कौड़ी मठ का कीर्तन है पूरा मथुरा में जैसे एकदम टहलका मची जाती थी मथुरा में, और पूरा मंदिर को सजाया जाता था। और जन्माष्टमी का दिन अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया करते थे और वो बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की जियो श्याम लाला जियो, बड़े सुंदर सुंदर बधाई लाला जन्म सुनी आई रे भैया दे दो बधाई, बड़े बड़े सुंदर सुंदर कलाकार बहुत अच्छे अच्छे हैं, आकाशवाणी के कलाकार लोग आते थे हैं,
वहां पर आते थे और बड़ी ही सुंदर वहां पर महोत्सव होता था। इसलिए और उसको बाद में कभी कभी गुरुदेव मथुरा में जो अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग होते थे गुरुदेव उन्हें भी बुलाया करते थे। कभी कभी दो दिन तीन दिन ऐसे ऐसे धर्म सभा कोई एक विषय को लेकर के जन्मांतर श्लोक हो धर्म प्रचित हो निगम कल्पतर हो कोई एक अच्छे श्लोकों को गुरुदेव रखते थे। एक श्लोक के ऊपर में बड़े बड़े विद्वान लोग अपना अपना विचार को करते थे। इसलिए मथुरा में गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में जन्मोत्सव पर जब राधा अष्टमी आती थी गुरुदेव क्या बोलते थे बोले देखो जैसे जन्माष्टमी को हम लोग जैसे बनाया राधा अष्टमी कम नहीं होनी चाहिए बल्कि राधा रानी की जो उत्सव है उससे बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए राधा अष्टमी में घर घर से चाव चाव समझते हो जैसे राधा रानी जन्म लेने पर सारे ब्रजवासी बधाई देते थे बधाई समझते हो स्वागत है। इसलिए ब्रजवासी लोग अपना अपना घर से उपढ़ावकर मतलब उपहार को लेकर के राधा रानी जन्म हुई इसलिए उनको बधाई देने के लिए सारे अलग अलग है वहां पर चार पांच पार्टी होता था अलग अलग जगह पर हम जाते थे अलग अलग घर में जाते थे और जाते थे वहां पर कीर्तन करते हुए है राधा रानी जन्म हुई सब ब्रजवासी लोग उत्सव करने आते थे। गुरुदेव स्वयं छत के ऊपर से फूलों की बौछार करते थे वहां पर भी तीन चार दिन तक इस राधा रानी का उत्सव वहां पर भी राधा रानी का उत्सव होता था बड़े धूमधाम से मथुरा होता था हाँ गुरुदेव रहते समय। इसलिए अभी तो करुणा आ गई है इसलिए अभी सब जगह में सब करुणा ने पूरा करुणा कर दिया इसलिए बोले करो ना इसलिए हमने मना कर दिया मत करो हाँ। इसलिए हम यहाँ पर अभी कृष्ण जन्म लेने वाले हैं इसलिए हम लोग भी कोशिश करके कुछ कृष्ण कथाओं को श्रवण करने के लिए जब तक कृष्ण जन्म उत्सव होता है और आप लोग भी कोशिश करना तुम लोग भी कोशिश करना अलग अलग जगहों से क्योंकि हम लोग हमारे जो आराध्य देव ना कृष्ण ही हमारा आराध्य देव हम लोग क्रास नहीं हम लोग कृष्ण को उपासना करने वाले हम लोग हैं इसलिए हमारे आराध्य देव ही कृष्ण है। इसलिए हमको क्यों कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति में क्या महिमा है हमारे जितने सारे शास्त्र है बोले वेदे रामायण चैवे चैव पुराणे भारत तथा आद्या बंदे च मध्य च कृष्ण सर्वत्र दिये हमारे जितने पुराण इतिहास वेद जितने सारे ग्रंथ देखोगे बोले आद्या बंदे च मध्य च आदि अंत और बीच में कृष्ण हरि सर्वत्र दिये सब जगह में हरि का कथा है सब जगह में हरि की कथा है। इसलिए कृष्ण कथा तो तुम जहाँ ढूंढोगे वहीं पर तुम्हें कृष्ण कृष्ण कथा मिलेगा। इसलिए मथुरा में रहते समय उसी समय में जितने हमारे जो सीनियर भक्त लोग होते थे वो बड़े दिनों से तैयार करते थे जैसे तुम लोग अभी जैसे रूप गोस्वामी का तिथि में सब अलग अलग बोले है ना तुम लोग रूप गोस्वामी का तिथि पर है अलग अलग बोले हो वहां पर तैयारी बन महाराज जी माधव महाराज जी तीर्थ महाराज जी और वहां पर और कुछ कुछ महाराज लोग थे हैं वहां पर पूरा तैयार करते थे एकदम तैयार करते थे अपना अपना है ग्रंथों से अलग अलग ग्रंथों से उन्होंने तैयारी करते थे और लिखते थे। जैसे तुम लोग अभी सोचते हो अरे मैं ये पॉइंट बोलना चाहता था यही बोलते वहां पर भी ऐसे होता था मथुरा में है सब लोग अलग अलग तैयारी करते थे और सोचते थे पहले मेरा नंबर आ जाए क्योंकि मैं जो पॉइंट को तैयार किया नहीं कोई ये पॉइंट को बोल देगा तो फिर क्या होगा फिर मैं क्या बोलूंगा। इसलिए वहां पर भी मथुरा में ऐसे सब भक्त हम लोग लोगों अंदर कंपटीशन होता था हैं कौन बढ़िया बोलेगा कौन शास्त्र से। देखो हमारे जो मथुरा में गुरुदेव रहते थे इन्होंने ऐसे ही बच्चों को ट्रेंड किया है तुम लोग को ऐसे लगता था अरे ये सब बेकार सब ढूंढना बोलना ये सब नहीं ये एक बहुत बड़ा साधन है ये बहुत बड़ा एक साधन मन का काम है कुछ ना कुछ सोचना कुछ ना कुछ सोचना मन का काम है। अगर वो भगवान के बारे में नहीं सोचेगा तो भगवान के बारे में अगर ये मन अगर नहीं चिंतन करता है फिर किसको माया के बारे में चिंतन करेगा उसका चिंता करना ही उसका काम है मन का काम ही चिंता करना। अगर भगवान के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर और किस चीज को सोचोगे तो उससे क्या है हम किसके बारे में सोचे कृष्ण के बारे में सोचे क्या कृष्ण की भगवता कृष्ण की क्या महिमा है
इसलिए अलग अलग दृष्टिकोण से तुम लोग भी तैयारी करो, सब शास्त्र को ढूंढो, चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत में है, इसलिए कृष्ण तत्व के ऊपर में बहुत सारे ग्रंथ में, उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में, अलग अलग पुराण में है, अलग अलग पुराण में कृष्ण की अथा महिमा कृष्ण की, और कृष्ण की पूरा दशम स्कंध में तो कृष्ण की कृष्ण कथा कथा ही दशम स्कंध में, इसलिए तुम लोग अभी तैयारी बनाओ, ठीक है ना, सब तैयारी करो, यही साधन है। हम लोग मथुरा में रहते थे, राधा रानी के तत्व है, सबको सब तैयार करते थे, और उसी समय में गुरुदेव रहते समय जिन लोगों ने गुरुदेव का समय में गुरु जी के सामने हरि कथा बोले तैयार किया ना, वही लोग ही जगत में प्रचार कर रहे, अभी भी देखो वही लोग ही दुनिया में अभी भी प्रचार कर रहे हैं। इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना अलग अलग जगह से अविष्ट था होकर के है, हम भी कृष्ण के बारे में ये बोलेंगे, कृष्ण के बारे में ये बोलेंगे, कृष्ण के बारे में ये बोलेंगे, तुम लोग सब ढूंढना, ठीक है, ढूंढ करके गुरुदेव, जैसे मैं जो मथुरा में पहले आया मैं तो उस समय नया था है, गुरुदेव बोले रसानंद कुछ बोलो, भक्ति मनोहर ठाकुर बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल पाऊंगा, गुरुदेव बोले मैं तेरा आदेश पालन करूंगा, तू मेरा आदेश पालन करो, गुरुदेव ऐसे बोले, देखो गुरुदेव ये बोलते थे जिसको बाहर में तुम बोल रहे हो उनकी चरण में एक पुष्पांजलि दे रहे हो, उनको चरण में एक फूल दे रहे हो, गुरुदेव बोलते थे हैं, उनको चरण में एक वाक्य रूपी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम है ना विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है, उन्होंने राधा रानी के चरण में एक एक फूल नहीं, एक एक श्लोक को ही एक एक फूल रूप में उनके चरण में देते थे, एक एक श्लोक ही एक एक फूल है, उसी तरह मन को ऐसे ही हमें आविष्ट रखनी चाहिए, कृष्ण कथा में कृष्ण नाम में हमें आविष्ट रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अभी हम लोग कोशिश करेंगे कृष्ण का जन्म उत्सव तक श्रीमद् भागवत से कुछ कुछ कथाओं को श्रवण करने के लिए, दशम स्कंध से कुछ कृष्ण कथा सुनने के लिए, इसलिए कहते जो कृष्ण कथा है जगत में सबसे ज्यादा अगर किसकी महत्व है ना, कथा की महत्व है जगत में जितने, अभी मोदी की इतने क्यों जयकार कथा, क्या दमदार कथा बोला राम जन्मोत्सव है, सारा दुनिया बोला बाबा रे क्या कथा कथा, जोगी की देखो वो दबा करके कथा बोलता है, इसलिए सारा दुनिया है ना कथा में बिका हुआ है, सारा दुनिया कथा में बिका हुआ है, जब साधारण कथा में इतने शक्ति है, लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनाए जड़ शब्द में अगर इतने ताकत हो सकता है, अगर हम भगवान की अगर कथा सुनाए वाणी सुनाए हैं, तो उसमें कितने ताकत नहीं होगा, उसमें कितने शक्ति नहीं होगा भगवान की कथा में, इसलिए जगत में अगर सबसे ज्यादा अगर किसमें शक्ति है, किसमें है बोले भगवान की कथा में ही सबसे ज्यादा शक्ति भगवान की कथा, जो जितने सुंदर भगवान की कथा बोलता है ना, देखना जगत में उसका उतना ही ऊंचा नाम है, जगत में उसका ही ऊंचा नाम, उससे बड़ा नाम जगत में किसी का नहीं है, हैं? इसलिए कहते ना स्वदेश पूज्यते राधा विद्वान पूज्यते सर्वत्र, क्या क्या श्लोक है, स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र, गुरुदेव का विश्व ब्रह्मांड में इतना प्रचार क्यों हुआ जानते हो, गुरुदेव कथा अच्छी सुनाया करते थे, केवल कथा के लिए विश्व ब्रह्मांड गुरु जी के चरण में आए, इसलिए किसी कृष्ण कथा कृष्ण कथा क्या बोलो, अरे नहीं गुरुदेव का वंदना है ना, कृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य मधुर्य गुणेश युक्त परम वरेण्यम पुरुष महातम सनातनस्तम नारायणस्तम शिरसनम, इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा ने सुदक्ष, केवल गुरुदेव सुंदर कथा सुनाते थे, ब्रज की कथा केवल कथा से ही विश्व ब्रह्मांड गुरु जी के पास में, इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम भी भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी, दुनिया लोग दुनिया को रिझाने के लिए चाहते मीठी मीठी कथा को धर्म, जगत को रिझाने से कोई लाभ नहीं, लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो देने वाले, जगत में किसी को रिझा नहीं सकते हो है, लेकिन रिझाओ तो ठाकुर को रिझाओ और उनका गुणगान गा कर, अगर जैसे यहाँ पर अगर हम किसको गुणगान गाएंगे है, अगर किसकी महिमा को अगर हम यहाँ गाएंगे खुश हो जाएगा कि नहीं, अगर हम बोलेंगे तमाल कृष्ण पर बहुत अच्छे हैं, अच्छे बोलते हैं, नेचर अच्छा है, मीठा स्वभाव, खुश हो जाते हैं केवल वाणी से और कुछ नहीं,
अगर भगवान के सामने अगर भगवान की कथा बोलोगे, ठाकुर कितने खुश नहीं होते। कृष्ण कथा के सबसे बड़े जो श्रोता कौन है? ठाकुर जी। भगवान की कथा भगवान को जितने प्यारी लगती है ना दुनिया में, और किसी को इतना अच्छी नहीं लगती है। कृष्ण कथा भगवान जितने अभिष्टता में भगवान कथा सुनते हैं, और कोई भी इतना अभिष्टता में कृष्ण कथा नहीं सुनते। इसलिए गोपियों ने जब गोपी गीत को गाई, कृष्ण कथना तासाम अभिभूत सौरी स्मयमान मुखा मुझे, भगवान कहाँ से प्रकट हुए हैं? जब गोपियां बैठ करके कृष्ण की गुण महिमा गान कर रहे थे, गोपी बोले तासाम अभिभूत सौरी, बोले वही से प्रकट हुए। कृष्ण कहीं से आए नहीं, कृष्ण कहीं से आए नहीं। जब गोपियां कृष्ण को कथा कर रहे थे, बीच में कृष्ण बैठ कर कथा सुन रहे थे, लेकिन जब बोले हैं जत्ते सुदात चरणाम बुरहम स्तनेसु, जब उन्होंने इतना बोले ना, कृष्ण सहन नहीं कर पाए। बोले श्याम सुंदर, तुम हम समय हर समय हमें कष्ट ही देते हो, तुम्हारी चरण कितने कोमल हैं, इतने कोमल चरण हम अपना वक्ष स्थल में धारण करने के लिए हमें कष्ट होता है, लेकिन वो सुंदर कोमल चरण को तुम क्या कर रहे हो? जंगल जंगल में तुम घूम रहे हो, नुकीले नुकीले कांटे नुकीले नुकीले पत्थर से जब तुम्हारे चरण लगता है, तुम्हारे चरण को कितना कष्ट नहीं होगा हैं? इसलिए हर समय तुम हम मिलन में भी कष्ट देते हो और विरह में भी कष्ट देते हो, तुम्हारे समय कष्ट ही कष्ट देते हो, तुम्हारे कष्ट को हम सहन नहीं कर पा रहे। इतना बोलते कृष्ण प्रकट हो, कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण कृष्ण कहीं नहीं थे, कृष्ण वहीं पर बैठ करके अपना कथा को कृष्ण सुन रहे थे हैं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए? वो इसलिए आए, कृष्ण के अंदर में जो माधुर्य है, कृष्ण के अंदर में जो नाम रूप गुण लीला, उसको पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करते? राधा रानी। और कृष्ण सोचते हैं मुझे जो आनंद होता है, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद राधा रानी को होता है जब मेरे नाम को रूप को गुण को लीलाओं को श्रवण करती, वो आनंद मेरे अंदर में। इसलिए जब तक मैं राधा रानी नहीं बनूंगा, तब तक मैं हैं मेरे जो महिमा है सुंदरता को मैं आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण खुद अपना नाम रूप गुण महिमा को आस्वादन करने के लिए कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप कृष्ण स्वयं आते, स्वयं आते कृष्ण। इसलिए मैंने पहले सुनाया ना, कोई एक कथा करता जयपुर में जो मंदिर गोविंद देव मंदिर में, वो आकर हर साल कथा करता था। एक साल कथा करके गए, जब दूसरे साल में आया तब उन्होंने पूछा, भैया ये बताओ मैंने पिछले साल जो मैंने कथा कर रहा था, कथा को मैंने कहाँ तक विश्राम दिया था, फिर उसको बाद से मैंने कथा सुनाऊंगा? अभी सब भूल गए, आज जो खाया कल ही याद नहीं रहता है, आज जो खाते हैं ना कल ही याद नहीं रहता। एक साल पहले कथा सुनाए थे सब भूल गए, इधर उधर मुंह को देख रहे झांक रहे थे। श्रोता वक्ता ने कहा लगता है यहाँ पर कोई कथा ठीक से नहीं सुनते, ये क्या कथा सुनाया था तुम याद नहीं, यहाँ ठीक से कोई कथा नहीं सुनते। इतना बोलते ही कथा मंदिर से आवाज आई, बोले महात्मा जी आप कैसे बोल रहे हो कथा कोई नहीं सुनते? मैं कथा सुनता हूँ ना भगवान, बोले मैं कथा सुनता हूँ ना, आपने यहाँ तक कथा की थी, इसको बाद में फिर कथा आगे की कथा बढ़ेगी है। इसलिए भगवान जो सबसे जो प्रसन्न होते हैं अपना कथा से जितने खुश होते हैं, और किसी को तरह खुश नहीं होता है। और जगत में अगर हमें कोई सबसे बड़ा बना सकता है ना, कथा ही है जगत में हमें पूज्य बना सकता है, कथा ही जगत में हमें पूज्य बना सकता है। जो जितने भगवान की महिमा को जितने सुंदर गान कर सकते हैं, जगत में जितना बड़ा से बड़ा पदवी जगत का एक दिन बाद में सारी खत्म हो जाएंगे, सारी पदवी जगत का जितने जगत में बड़े बन सकते हो बढ़ जाओ, लेकिन बाद में अभी जैसे मोदी मोदी बाद में अगर नहीं आएंगे तो कौन उनको पूछेगा? कोई पूछेगा नहीं, मन मन था कोई मन मन को कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहे, बड़े से बड़े पोस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे प्रभुपाद को विश्व ब्रह्मांड में पूजा करते हैं, रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को हमारे गुरुदेव को विश्व ब्रह्मांड में पूजा करते हैं, सारा दुनिया में घर घर में पूजा हो रही है। इसलिए अगर बड़ा बनना है ना भगवान की कथा है, इसलिए बोलते वैष्णव प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, अगर किसमें निष्ठा करना हो किसमें निष्ठा करो? वैष्णव प्रतिष्ठा है। इसलिए हम कैसे भगवान की भक्त बन सकते हैं, भगवान की लीला महिमा को कैसे गान कर सकते हैं, उसी के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम कोशिश करेंगे 5-6-7 दिन तक
हम कृष्ण कथा सुनने के लिए कोशिश हम करेंगे। इसलिए जो कृष्ण कथा है बड़ा महिमा भगवान की कथा को, मतलब कथा का मतलब क्या है, बोले कं मतलब होता है रस है, और था मतलब होता है हमें जो जड़ रस से निकाल करके हमें जो अपराकृत दिव्य है कृष्ण प्रेम रस में जो हमें स्थापन कर सकता है, इसलिए उसका नाम है कथा है, रस में जो हमें स्थापन कर ले इसलिए इसका नाम है कथा है, इसका नाम है कथा। इसलिए कथा की महिमा हमारे शास्त्र में सब जगह में, कथा की सब जगह में कथा की महिमा बताए, कहीं भी भागवत खोलो सब जगह में देखोगे कृष्ण कथा की महिमा। इसलिए भगवान कपिल देव भी अपना माँ को क्या कहते हैं, बोले माँ केवल एक ही काम करो और कुछ करने का जरूरत नहीं, बोले क्या है, बोले सतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा ताज्योसन आसो अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनोक्रमिश। केवल मेरी कथा तुम सुना, मेरी कथा श्रवण करते 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 ही पहले श्रद्धा फिर रति फिर भगवान की प्रीति फिर भगवत दर्शन तुम्हें कथा ही कराएगा और कोई नहीं कराएगा। इसलिए माँ क्या करो, इसलिए उन्होंने भगवान अपना कथा को किसी में उदाहरण दिया, रसायन को साथ में, किसको साथ में, रसायन कथा नहीं कभी रसायन, रसायन क्या होता है, बोले 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही रसायन बनता है, मतलब जो रसायन मेडिसिन अगर कोई पान करो ना कहते शरीर का सारे बीमारी तुम्हारी सही हो जाए, शरीर का सारी बीमारी सही हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ ये कथा नहीं ये रसायन, अगर ये कथा रूपी रसायन में कथा में गोता लगाओ तो क्या होगा, बोले सतांग प्रसंग आत्मा में वीर जो संविदो, जो कथा बढ़िया बलवान है, है? इसलिए मन में वीर जब संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन, ये क्या करता है हृदय और कान ये दोनों को ये रस प्रदान करता है, हृदय कान दोनों को ये रस प्रदान करता है। ये जल्दी से जल्दी आंसू मतलब जल्दी से जल्दी ये क्या करेगा, कद भगवत चरण में तुमको धीरे धीरे धीरे, अभी तक यहाँ जो आए कैसे कैसे आए बताओ, क्यों यहाँ पर आए, किसने हमें लाया, कथा ही लाया, ये कहाँ सारा दुनिया हमको कौन एकत्रित कर दिया, हमने नहीं कथा सुनी है। इसलिए तस्मिन महन मुखरितम मधुविश्चरितम ताज्य श्रुणति निपगाढ़ करनी है, जो व्यक्ति अपना कान में भगवत कथा को जो अमृत को जो भर भर करके पान करते उसको क्या होता है, कथा नस्पृशंति शोक मोह भय उपहा, उसको शोक मोह भय उसको कुछ नहीं कर सकता है जो मेरी कथा को अपना कान रूपी दोड़े में। इसलिए भगवान ने कान को कैसे बनाया, देखो दोड़े जैसे बनाया है, जैसे किसी दोड़े में कटोरी में है, जैसे हम कोई चीज को पान करते हैं, इसलिए भगवान कान को उन्होंने दोड़े बनाए ठाकुर जी, ये दोड़े में क्या करो कृष्ण कथा रस को निरंतर इसको पान करो। इसलिए सुनने से क्या होगा, बोले अप वर्ग वर्तनी, प वर्ग मतलब प फ ब फ म है, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, व मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। कहते भगवत कथा तुमको ये सारे ये पांच चीजों से मुक्त करा तुम्हें भगवत चरण में कौन पहुंचाएगा, बोले भगवान की कथा ही पहुंचाएगा। इसलिए भागवत में मतलब काल व्यालम मुखम ग्रासम, इसलिए बोले जो काल नहीं है कि व्याल है, बोले ये सर्प है, जैसे ये काल रूपी सर्प क्या कर रहा है, जीवों को निगल रहा है, जीवों को ये निगल रहा है ये काल रूपी सर्प, लेकिन ये काल रूपी सर्प जो जीव को निगल रहा है लेकिन उसको कौन रक्षा कर सकता है, बोले कथा। जैसे हम यहाँ पर बैठे अभी कथा हो रही है, अगर हम यहाँ पर नहीं बैठते तो क्या करते बताओ, दुनियादारी इधर उधर बेटा बेटी नाती दुनियादारी की बात करते, लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं वो कथा नहीं, कृष्ण कथा क्या है, कृष्ण स्वयं, कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। इसलिए बोले काल में जो प्याल है जीव को जो निकल रहा है कथा, अगर इससे अगर कोई हम निकल सकता है कृष्ण कथा ही निकल सकता है और कुछ नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, दान पुण्य कुछ नहीं, केवल बैठो कथा ही सुना, और कथा सुनते 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 सचमुच से परीक्षित महाराज क्या क्या
भगवत लोक को गमन किया। इसलिए अगर हमें यहाँ तो कोई लाया है भजन में, कौन हमें लाया? उनकी कथा ही हमें लाया, कहीं भी हो उनकी कथा। इसलिए गोपियां कभी कभी खबरदार जो बाबा जी को चक्कर में मत पड़ा करो, ये लोग हाथ में बगल में भागवत दबा देते, दबा करके कथा कथा सुनाएंगे, हाँ फ्री में कथा सुनाएंगे। बास पे कथा सुनाते 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 खुद भी पागल है, जिसका घर दुकान मकान कुछ है ही नहीं, और खुद पागल है, सबको दुनिया को पागल बना करके राधे राधे बोल और वृंदावन में बोल। इसलिए यहाँ गोपियां राधा रानी कहती, खबरदार इनके चक्कर में मत पड़ा करो, इनके चक्कर में खुद कोई पड़ना नहीं। गोपियां कृष्ण कथा को, हाँ कहती है कृष्ण कथा ही हमारा सब कुछ, जात कुल सब कुछ कृष्ण कथा ही हमारी है, ये कृष्ण कथा हमारे सब कुछ सर्वनाश कर दिया है। इसलिए अगर हमें कोई भगवान तक जीव को पहुंचा सकता है, मंगलदायी कर सकता है कृष्ण कथा। इसलिए भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया, कहते कृष्ण कथा पहले भी सुनाया था, कब जब कब नेवला और सांप का लड़ाई होता है ना, हाँ नेवला और सांप का जब लड़ाई होता है, अगर सांप अगर नेवला को काट देता है, नेवला को पता है कहाँ पर मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन खाने से मेरे शरीर में ताकत आ जाएगी। अगर सांप अगर उसको काट देता है नेवला को, नेवला सांप कहते एक्सक्यूज मी भैया तू थोड़ा रुक जा मैं अभी आता था, और नेवला क्या करता है ना, भागता है, जा जल्दी जल्दी भागेगा, उसको पता कहाँ पर जड़ी बूटी उसको पता है, वो जाकर फटाफट उसको खा लेगा, खा कर फिर ताकत आ जाएगा, फिर लड़ाई करेगा सांप को साथ। फिर अगर सांप किसी कारण से काट देता है ना, बोले भाई एक्सक्यूज मी थोड़ी सी रुक जा अभी मैं आता हूँ, वो भागते भी जाएगा, भागते भी जाएगा, जा करके फिर दवा खा लेगा अगर पुष्ट होकर। लड़ते 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 देखना, जब तक ये नेवला सांप को नहीं मार देता है ना, छोड़ेगा नहीं, वो मार करके छोड़ेगा उसको। तब भागवत में उदाहरण दिया, ये कृष्ण कथा क्या है, कहती ये मेडिसिन है, हैं ये काल रूपी क्या, काल ब्यालम, ये काल क्या, ये ब्याल, ये अजगर सर्प है, ये हमें निगलना चाहते है, लेकिन ये हमें रक्षा कौन करेगा, कृष्ण कथा। ये कृष्ण कथा को अगर कोई पान नितराम कृष्णम रसम पीव, कहता अगर हर समय कृष्ण कथा रूपी रस को अगर हम पान कर सकते हैं, ये क्या करेगा, हमें हमें ताकत प्रदान करेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब किसी साधक का जीवन में घोर विपत्ति का समय आए, जैसे साधन भजन करते करते कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं, जो काम के लिए आए थे भजन के लिए, वो भजन छोड़ करके फिर किसी दूसरे रास्ता में कभी हम भटक जाते हैं भक्ति छोड़ करके। इसलिए प्रभुपाद कहते जीवन में जब घोर विपत्ति जीवन में आकर के पड़े, कहते उसी समय में हमें ये रक्षा कौन करेगा, कहते हमें रक्षा कौन करेगा, प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्तों का हरि कथा ही हमें रक्षा करने वाले हैं, शुद्ध भक्तों का हरि कथा ही हमें ये रक्षा करने वाले, हमें और कोई रक्षा नहीं करने वाले। इसलिए कभी कभी रास्ता हम भटक जाते हैं, है? भक्ति करने के लिए आए अगर थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाए ना, फिर तो हम, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुनकर कभी हरि भजन नहीं छोड़ना। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में कहते हैं कभी कभी विपत्ति आएगा जीवन में भक्ति जगत में, क्योंकि जो साधन जीवन है ना, ये संघर्ष जीवन है, लड़ाई जीवन है, है? ये लड़ाई जीवन है, ये साधन, ये मत, इसलिए अब देखना हमारे गुरुदेव ने जो चाहे आचार्यों का जो कथा निकाले उसको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना। कोई कोई सोचते हैं ये भक्ति का लाइन जैसे फूल जैसे बिछाते हैं ना, वो फूल जैसे लाइन, बोले नहीं ये भक्ति का लाइन फूल बिछाने का लाइन नहीं, ये माया को साथ में लड़ाई करना है, लड़ाई करना। नित्यानंद प्रभु का सर को तोड़ दिए, हरिदास ठाकुर 22 बाजार में पिटाई हुई, कुरेश का आंख निकाल दी गई, प्रभुपाद को जान से मारने के लिए कोशिश की गई, जान से खत्म करने के लिए मेरे गुरुदेव जो प्रचार कर रहे थे, ईंट पत्थर जूता फेंके हैं, जूता फेंके। इसलिए वहां पर कहते हैं प्रभुपाद का लेखे, कहते ये मत समझो ये भक्ति लाई ने पुष्प बिछाए फूल को पर चलना, नहीं यहाँ पर माया के साथ में लड़ाई करना तुमको है, युद्ध करना। जैसे युद्ध करते समय योद्धा को शरीर में जितना अस्त्र शस्त्र लगता है ना, वो क्या पीछे हटता है, नहीं बल्कि उसका खून उतना गर्मी होता है, उतना उसका फूल गर्मी होता है, युद्ध करने का उत्साह उसके अंदर में आता है, हैं? युद्ध करने का उसके अंदर में उत्साह आती है। उसी तरह ये भक्ति को लाइन को फूलों की बिछाए हुए लाइन मत समझो, इसलिए भक्ति मार्ग ये कोटी
कंट विरुद्ध ये करोड़ घंटा झुकता है हैं खुरस धारा निश्चित दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती कति ये प्लेट के ऊपर चलना भक्ति रास्ते में चलना बराबर है इसीलिए कहते साधु सावधान साधु सावधान इसीलिए देखना पता है ना प्रायण अल्प आयुष सभ्य कला भस्मिन युगे जना मता मंदा सुमंद मतयो मंद भाग छुप दुर्ता ये छुप दुर्ता में वहां पर व्याख्या विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कहते जगत में गंदे काम करो ना दुनिया कुछ बोलेगा नहीं शराब पियो जुआ खेलो लड़की बाज कर कोई कुछ बोलेगा लेकिन जरा गला में कंटी तिलक माला पहन लो गांव में है क्या क्या बोलेगा जब बोले बाबा बन गए हैं ये सब क्या कंटी तिलक माला इस उम्र में क्या कर रहे हो हैं छुपड़ा गांव कहते मीरा ने जब भजन की ना कुत्ता तक भी पीछा नहीं छोड़ा उसका कुत्ते तक भी उसका पीछा नहीं छोड़े हाँ इसलिए भक्ति मार्ग ये कोटी घंटे गुरुदा इसलिए थोड़ी थोड़ी विषय पर हमें थोड़ी सी इधर उधर विचलित नहीं हो करके हमारा जो लक्ष्य है अपना लक्ष्य को साधने के लिए कोशिश करनी चाहिए अगर एक जीवन मेरे गुरुदेव कहते थे अगर एक जीवन अगर किसी तरह से भगवान के भजन में तुमने बिता दिया एक जीवन क्या हो गया तुम्हारे संस्कार ही संस्कार अच्छा बन गया संस्कार तुम्हारा अच्छा बन गया यही संस्कार अगले जीवन में उतना नहीं भक्ति श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भक्ति हर जीवन में बढ़ करके प्रकट होता है घट कर कभी प्रकट नहीं होगा बढ़ करके हर जीवन में इसलिए मेरे गुरुदेव अक्सर में गुरुदेव कहते थे मिलजुल कर किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव का अनुभव में भगवान की सेवा भजन करते हुए जीवन बिता दो आज ये संस्कार बनेगा और यही संस्कार अगले जीवन में पूरा के पूरा ब्याज समय तुम्हें प्राप्त होगा किसी तरह से एक जीवन बिताओ और हमारे जो जो त्रिविक्रम महाराज कहते थे बोले देखो ये संसार तुम्हारे लिए रिजर्व है हर जीवन में क्या करते करते आए कुत्ता बने तो कुत्ते मिला सुअर बने तो सुअर मिल गया गधे बने तो गधे मिला यही काम करते करते जिंदगी भर है ज्यादा कुछ नहीं किया है वही बच्चे जन्म दिया गधा सुअर जैसे जीवन बिताया आया इसलिए वो कहते थे एक जीवन इसको स्टॉप करो वो कहते एक जीवन इसको स्टॉप करो हर जीवन में यही करते और रिजर्व तुम्हारे लिए हर जीवन के लिए यही रिजर्व इससे और कुछ नहीं यही करते करते आया मिलेगा यही इसलिए एक जीवन उसको बंद करके क्या करो एक जीवन में गुरु वैष्णव सेवा भगवान के भजन में एक जीवन बिताओ किसी तरह से है रगड़ करके जीवन को भजन में लगा दो किसी तरह से अरे माया में जाओगे तो बस क्या जिंदगी भर करोगे और इससे ज्यादा किया तुमने इससे तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं है इसलिए एक जीवन हमें भगवान की भक्ति करते हुए किसी तरह से जीवन में बिताना किसी तरह से लेकिन आश्चर्य की बात है संसार में सबका डंडा पड़ता है संसार का सेवा करो जो घर का जो मुरे भी देखना स्त्री की भी गाली बच्चों को भी गाली परिवार का भी गाली सबको गाली सुनना पड़ता है देते ही नहीं सब गाली देते हैं सबका सेवा करो उल्टा लेकिन मंदिर में ऐसी चीज है अगर थोड़ी कोई गुरु वैष्णव बोल दिया मन खराब हो जाता है हमें क्यों बोलेगा लेकिन संसार में सबका गाली सबका सेवा करता है सबका गले सुनता है सारा दुनिया की गाली सुनेगा उसके भी सेवा करेगा लेकिन भगवान की भक्ति में थोड़ी सी अगर कुछ बोल दिया ना पान से चून अलग हो गया अरे हम थोड़ी साधारण करके हमारे पिता माता को कोई कमी नहीं हमारे सब कुछ है इसलिए इसलिए भगवान की भक्ति डट करके एक जीवन किसी तरह से भगवान की भक्ति में जीवन बितानी चाहिए ठीक है इसलिए भागवत में हाँ भागवत में कृष्णा जो कथा को बहुत बहुत कुछ महिमा बताई पूरा श्रीमद् भागवत में इतने कृष्ण कथा की महिमा इतने कृष्ण कथा की महिमा पूरा कृष्ण कृष्ण कथा की महिमा इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कृष्ण कथा एक एक दो श्लोक सुन लेते हैं ठीक है बोले जस्मीन सत कर्ण पीयूषे जस तीर्थ तीर्थ बरे सक्री श्रोतांजलि रूप स्पृश्य धुनुते कर्म वासना इस श्लोक में ये दसम स्कंध से एक अध्याय पहले हैं इसमें कृष्ण कथा की महिमा यहाँ पर गा रहे हैं कदि कृष्ण कथा कैसे बोले जस्मीन सत कर्ण पीयूषे जस तीर्थ बरे सकृत सकृत मतलब होते एक बार हैं कदि कृष्ण कथा की कितने महिमा बोले सक्री सकृत मतलब होता है एक बार जस्मीन अगर किसी ने क्या किया सत कर्ण पीयूषे हैं इसलिए जो कान को कैसे बनाया दोना जैसे बनाया देखो
जैसे कोई चीज को जैसे पान करते है ना, कि कान भी ऐसे ही बनाया। इसलिए अगर एक बार कोई भगवान की कथा रूपी अमृत को बोले जस तीर्थ परे, भगवान की गुण महिमा को अगर किसी ने एक बार अगर कर्ण रूपी दुणा को द्वारा श्रोतांजलि रूपे स्पृश्य धुनते कर्म वासना, अगर ये अंजलि फिर बताया, एक तो कर्ण को दुणा बताया, दूसरा बताया जैसे हम अंजलि भर भर करके हैं, जैसे जैसे अंजलि भर भर कर कोई चीज को पान करते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा रूपी अमृत को अंजलि भर भर करके अगर ये जस तीर्थ का अगर कोई पान करता है, उसको द्वारा क्या होता है बोले धुनुते कर्म वासना, कद हृदय रूप में जो कर्म रूपी जो वासना को क्या कर देता है, ये संपूर्ण रूप में इसको धो मोच करके इसको सबके सब, सब एकदम पवित्र कर देता है। तो यहाँ करेगा तो सकृत कदा, अगर किसी ने एक बार अगर ये कर्ण रूपी है दुणा में कृष्ण कथा रूपी अमृत को अगर अंजलि में भर भर कर अगर किसी ने एक बार अगर पिया, तो अगर उसको सारे कर्म वासना अगर खत्म हो गया, तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अगर इसको कोई हर समय पान करते रहे, सकृत एक बार पान करने से अगर हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन को ही कृष्ण कथा को ही जीवन का अपना प्राण बना दे, तो हर समय अगर कथा सुनते रहे, तब यह विश्वनाथ चक्र कहते हैं बोले भैया उसका महिमा हम क्या बताएंगे हैं? उसका हम महिमा क्या बताएंगे। इसलिए जगत में अगर सबसे कोई जगत में दुर्लभ है क्या है बोले भगवान की कथा। इसलिए प्रभुपाद कई लेख में कहते हैं कि जगत में हरि कथा ही जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ है, दुर्भिक्ष है ये हरि कथा, दुर्भिक्ष है जगत। सब चीज संसार का देखो, दुनिया की नाटक भाटक दुनिया की सारा दुनिया चीज मिल जाएगी, लेकिन भगवान की कथा कहाँ सुनने को मिलती बताओ, कहाँ भगवत कथा का हरिचर्चा कहाँ हो रही। और जहाँ भगवान की कथा, भगवान क्या कहते हैं, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ, तो जहाँ मेरी हरि कथा हो रही, जहाँ मेरी कीर्तन हो रही है, मैं वहीं पर रहता हूँ है। इसलिए जब हम लोग विदेश जाते हैं ना कथा करने के लिए, कितने पैसा खर्चा करते हैं हमारे पीछे, जैसे अभी राधाष्टमी में जाने के वाला था, जन्माष्टमी राधाष्टमी, कितने पैसा, लाख रुपया आने जाने का टिकट बताए, लाख रुपया रहने का, ये करने का, और किसी तरह से पास राधाष्टमी में हम एक दिन जाकर थोड़ी सी कथा कर देते, इतना कथा सुनने के लिए उन्होंने इतना पैसा को खर्चा करते, क्यों कृष्ण कथा दुर्लभ है, दुर्भिक्ष कृष्ण कथा की, भगवत कथा की दुर्लभ दुर्भिक्ष, इतने पैसा खर्चा करके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फ्री में बिना पैसा के यहाँ पर बैठ बैठ करके कृष्ण कथा को हम यहाँ पर पान करते हैं, कृष्ण कथा को यहाँ बैठ बैठ कर हम पान करते हैं। इसलिए जगत में दुर्लभ भगवान की कथा दुर्लभ। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अगर हर समय ये कृष्ण कथा भी अमृत को अगर कोई पान करते हैं है? इसलिए परोक्ष भाव में जत किंचित जस श्रवण मात्रे जिबेरे संसार है तो उतर न है। अगर जत किंचित अगर भगवत कथा को श्रवण करते हैं, जीव ये भवसागर से जीव उत्तीर्ण होकर के भगवान चरण को प्राप्त करते हैं, तो उसको बाद में कहते हैं बोले जस्याननम स्मरण कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपल सुभगम सबिलास हासम नित्योत्सवम न तृप्ति पुर दिशि भी पिबंत नार्यो नाराश्च मुदिता मुकुपितम निमेश। यहाँ पर इसमें कृष्ण कथा की महिमा और कृष्ण का जो सुंदरता को वर्णना कर रहे हैं, बोले जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्णम। यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्र इस श्लोक में टीका में कहते हैं बोले कृष्ण रूप तो सब दर्शन करते हैं, सब भक्त लोग दर्शन करते हैं, बोले जैसे बोले भोज वंश में वो भी कृष्ण दर्शन करते हैं, बोले वृष्णि वंश में वो भी कृष्ण दर्शन किया, बोले अंधक वंश में वो भी कृष्ण दर्शन किया, बोले सूरसेन वो भी कृष्ण दर्शन किया, बोले पांडु वंश में ये भी दर्शन किया है। कहते कृष्ण माधुर्य तो सब लोगों ने दर्शन किया, लेकिन ये दर्शन करने पर भी लेकिन कृष्ण रूप को पूर्ण रूप में कृष्ण का जो स्वरूप को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करते, बोले ब्रजवासी ब्रजवासी। लेकिन कहते ब्रज में भी बहुत सारी भक्त है, दास्य सख्य बात्सल्य मधुर
वहां पर भी चार तरह के भक्त लोग वहां पर भी है, लेकिन उनके अंदर में पूर्ण रूप में कृष्ण रूप का कौन दर्शन करते है? मतलब ब्रज के जो प्रिय नर्म सखा कृष्ण का सखा है, लेकिन होने पर भी सखा उनका अलग अलग भाव सखा है, लेकिन जो प्रिय नर्म सखा है कहते इनके अंदर में कुछ श्रृंगार रस है। इसलिए कृष्ण जब गोपियों का वस्त्र हरण किया था उसी समय में प्रिय नर्म सखा लोग थे। जब कृष्ण राधा कुंड में जाते हैं वह सूर्य कुंड में जाते हैं सब सखा लोग नहीं जाते, उनके साथ में जो प्रिय नर्म कुछ सखा लोग है जिनके अंदर में श्रृंगार रस कुछ भाव है, हैं? वही लोग ही मधुर रस में प्रवेश है कहते वो लोग। इसलिए यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण रूप को पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करते, बोले उनका प्रिय नर्म सखा और ये ब्रज की गोपिया और राधा रानी। कहते इन लोगों ने जैसे कृष्ण का रूप को माधुर्य को पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं और कोई आस्वादन नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर उन्होंने उज्जवल निर्मणि से उन्होंने जो रति को तीन तरह का रति बताए। कहते एक साधारण रति और एक सामंजस्य रति और एक सामर्थ्य रति। कहते रति तीन तरह का रति बताया उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में। कहते साधारण रति में कौन है भक्त लोग है, कहते ये कुब्जा है जिनके हृदय में काम की वासना और कृष्ण को दर्शन करते ही हाँ, कृष्ण जब जा रहे थे जाते समय उन्होंने कृष्ण को बड़ी सुंदर तिलक लगा दिए, जब तिलक लगाए तीन जगह से टेढ़ी थी, कृष्ण जब एक चरण के ऊपर एक चरण रखे थोड़ी में एक चरण पीछे से एक हाथ एक झटका मारे तो सीधा हो गई एकदम अपूर्व सुंदरी। कृष्ण का हस्त लगते ही इतने प्रमदा इतने सुंदरी बन गई। कहते कुब्जा जब अपना रूप को देखा है ना जौवन को देखा स्वयं संभाल नहीं सके इतने सुंदर बन गई। इतने में उन्होंने कृष्ण के कपड़े के दुपट्टे को पकड़ दी, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो इसलिए ये रूप का आपके ही आप ही भोग कर सकते चलो मेरे साथ। कृष्ण ने कहा अभी नहीं कंस को जो मार कर जाएंगे। इसलिए इनके अंदर में जो भावना है कहते इनकी साधारण रति बताए, बोले सामंजस्य रति किसको बताए, बोले महिषियों के अंदर में। महिषियों के अंदर में जो रति है कहते सामंजस्य, बोले इसका मतलब क्या है, बोले मतलब है यद्यपि कृष्ण के प्रति इनकी प्रेम है लेकिन होने पर भी हर महिषियों से दस दस बच्चे और एक एक बेटी, दस दस बेटे और एक एक बेटी। देखना जब शादी होती है जब बच्चा बच्चा नहीं होता ना पत्नी की प्रेम किसको पर रहता है, पूरा पूरा पति के प्रति, पूरा पति को ध्यान देना उसको खिलाना उसको पिलाना उसका कपड़े को प्रेस करना सब कुछ पति को प्रति उसका भावना पर रहती है। लेकिन घर में जो बच्चा होना हो जाए ना देना पति का प्रति और इतना प्रेम नहीं रहता, वो सारे प्रेम बच्चों को प्रति चली जाती है। पति का प्रति रहता है वो थोड़ी बहुत रह जाती है लेकिन दिन भर बच्चों को कैसे खिलाए कैसे पिलाए उसको पढ़ाए उसको लिखाए उसका प्रति पूरा का पूरा घूम करके वो आ जाती है बच्चों के प्रति, और पति का प्रति रहती है थोड़ी बहुत रह जाती है। इसलिए कहते हैं जो महिषियों के अंदर में जो रति है कि सामंजस्य रति है, हाँ कृष्ण को प्रति तो रति है लेकिन ये बच्चों को ऊपर में और कृष्ण उसे भाग भाग हो गया है। लेकिन कहते गोपियों के अंदर में जो रति है कहते ये समर्था रति है, समर्था रति क्योंकि गोपियों का बच्चे है ही नहीं और उनने शादी नहीं की है, इनके बच्चे नहीं है। हम शादी किए गोपो लेकिन इनके अंदर कोई बच्चे नहीं होने के नाते गोपियों का जो रति है ना केवल कृष्ण निष्ठा, इसलिए मन मना इसलिए मन मनस्का इनका जो मन है कृष्ण को छोड़ करके और किसी को प्रति इनकी प्रेम नहीं, पूरा एक निष्ठ कृष्ण का प्रति तन मन सब कुछ कृष्ण के चरण में समर्पित है। इसलिए कृष्ण कहते हैं गोपियां न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सो साधु कृत विबुधायु सा विभो। कहते ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी मैं कभी तुम्हारे ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकता हूँ, क्यों तुम लोग मेरे को प्रेम करने के लिए भाई बंधु पुत्र परिवार दुनियादारी सबको तुम लोगों ने सबको ठोकर मार दिया है, ठोकर मार के बोले एकनिष्ठ होकर के तुम लोग मुझे प्रेम किया। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कहते यहाँ पर एखने हाँ यहाँ पर जो श्लोक आया ना कहते नारजी नराश्च मुदितम कुपितम निमेश। जब कृष्ण को ये दर्शन करती हैं ये आंखों का जो पलक झपती है, आंखों का जब ये पलक झपती है उसी समय में एक निमेश को बोले त्रुटि जुगायते त्वां मपश्यताम। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं जब सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं और बंसी ध्वनि सुनकर के सारे ब्रज गोपी
दर्शन करने के लिए आ जाती है। और जब दर्शन करते समय जब उनका आंखों की पलक झपती है, पता नहीं चलता पलक झपते, लेकिन उतना समय को कहते तुरंत युगाए थे तो श्याम सुंदर है। कहते ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, दो आंख दे दिया और दर्शन करने के लिए, और उसको अंदर बीच बीच पलक भी दे दिया है, लेकिन पलक झपते ही पता नहीं चलता, लेकिन उसमें क्या बोले त्रुटि, मानो करोड़ जोग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर, करोड़ जोग जैसे बीत गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यह विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं कि क्या बोले रूढ़ भाव, कहते ब्रज गोपियों के अंदर में ये रूढ़ भाव विद्यमान है, ब्रज गोपियों के अंदर में, इसलिए प्रिय नर्म सखा गोपियों के अंदर में ये रूढ़ भाव विद है, इसको कहते रूढ़ भाव है। इसलिए फिर हम कल सुनेंगे फिर ये श्लोक में कृष्ण की रूप को क्या वर्णना करते हैं, एक एक चीज को किस किसको साथ में उदाहरण देते हैं, फिर हम कल इस चीज को फिर हम कल सुनेंगे, ठीक है। जस्यानन वक्र कुंडल चारु कर्ण, अभी अभी कृष्ण कथा बोल रहे हैं ना, इसलिए कृष्ण कथा बोलने से पहले कृष्ण के रूप को यहाँ पर वर्णना करते हैं। ये नव दशमस्क तक एक अध्याय पहले है। हाँ आरंभ करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गौरांग जय गौरांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।